फिर दो पकड़िए नम्स टू में जाइए क्या नम्स टू में इसके राइट में कुछ पड़ा हुआ है क्या जो कि दो से बड़ा है नहीं एलिमेंट नहीं है इसका मतलब क्या माइनस वन डाल दीजिए एक और एक्सम्पल देखता हूँ टू कोमा फोर ठीक है दो को ढूंढिए नम्स टू में ये रहा सर इससे नेक्स्ट क्रिएटर क्या है तीन है सर डाल दीजिए चार ढूंढिए चार इसमें चार ढूंढा ये रहा इसका नेक्स्ट क्रिएटर क्या है एलिमेंट ही नहीं है तो माइनस वन डाल दीजिए ठीक है मान लीजिए क्वेश्चन है मेरा ये मेरा नम्स वन है ये मेरा नम्स टू है तो आंसर क्या है देख लेते हैं तीन फाइंड किया पहले देन ढूंढ रहे मिल गया है तो चार डाल दिया फिर चार्ट उ चार्टूडा चार्ट ऊंडा चार्ट मिल गया फिर इसके आगे गए मैक्स मैक्स ढूंढने इसका अगला ने नेक्स्ट 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 पांच मिल गया अगर ब्रूट फोर्स से करें ब्रूट फोर्स से करें तो कैसे करेंगे पहले ब्रूट फोर्स से करते हैं चलिए मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको एक आर ई एस लेते हैं रिजल्ट अपना एंड इज इक्वल टू न्यू आर एस कितनी लेंथ का होगा भाई नम्स वन का क्योंकि नम्स वन के एलिमेंट्स हमें नम्स टू में ढूंढने हैं ऐसा है ना ठीक है एक लूप चलाते हैं नम्स वन में एंड i इज इक्वल टू जीरो i लेस देन नम्स वन डॉट लेंथ i प्लस प्लस अगर आपको ब्रूट फोर्स नहीं देखनी तो डिस्क्रिप्शन में जाइए टाइम स्टेम्स होंगे ठीक है एंड फोर एंड j इज इक्वल टू जीरो j लेस देन नम्स टू डॉट लेंथ j प्लस प्लस हमें पहले क्या करना है nums टू में नम्स वन का जो करंट एलिमेंट है वो ढूंढना है सही बात है तो पहले ढूंढते हैं ना एक वेरिएबल रख लेते हैं यहाँ पे बुलीन फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स पहले ढूंढते हैं इफ नम्स वन आई इक्वल इक्वल नम्स टू जे का मतलब क्या है कि मिल गया सर मिल गया फाउंड इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए ठीक है।, है अच्छा और जो नीचे कंडीशन चेक होगी ना क्या कंडीशन चेक करनी है हमें एग्जाम्पल लेते हैं फोर टू थ्री ठीक है मान लीजिए मैं फोर पे हूँ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि देखिएगा देखे टू है ठीक है करंटली में, में चार पे हूँ ठीक है पहले मैं ढूंढूंगा पहले मैं ढूंढूंगा कि नम्स टू में चार कहाँ है मान लीजिए यहाँ पे एक होता और आखिरी में होता चार ठीक है मान लीजिए ये है ठीक है ना तो पहले मैं ढूंढूंगा कि चार कहाँ है इसमें मिल गया सर मिल गया अच्छा तभी ना मैं चेक करूंगा कि चार से ग्रेटर कौन है समझ रहे हैं

टू ऑफ जे में ठीक है जो कि बड़ा है हमने देखा ये रहा बड़ा जैसे कि यहाँ पे नाइन पड़ा हुआ है ठीक है और आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है तो ब्रेक कर दीजिए ठीक है सर अच्छा ये सब हो जाएगा बढ़िया आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे थ्री नहीं होता ठीक है मान लीजिए यहाँ पे थ्री होता अब बताइए इसका आंसर होता इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर माइनस वन डालना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर कुछ राइट में है नहीं या फिर कुछ राइट में मैक्सिमम नहीं है नेक्स्ट ग्रेटर है ही नहीं इसका मतलब क्या है माइनस वन डालना है तो वो चेक कर लीजिएगा ना एक लूप लगा लीजिए इफ है ना एक लूप लगा लो फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन आर ई एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस इफ आर एस आई जीरो है ना तो जीरो मत डालो उसको उसको वन कर दो बस माइनस वन है ना जीरो तो वाई डिफॉल्ट हो गई जब भी हम कोई खाली अरे क्रिएट करते हैं सारे जीरो होते हैं अच्छा खाली कब रह जाएगा जब ये नहीं होगा ये नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि कोई टैक्स क्रिएटर नहीं है इसका मतलब क्या है कि माइनस वन डालना है ठीक है सर बस ये रिटर्न आ एस कर दीजिए जब है ना होप कुछ गड़बड़ ना कर दी हमने रन करके देख लेते हैं शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी है बहुत अच्छी बात है अच्छा बहुत अच्छी बात है चलिए इंट लिखना है क्या कर रहा हूँ अच्छा फाउंड ट्रू तो कर दिया है हमने फाउंड फॉल्स भी तो करना पड़ेगा ना अगली बार फाउंड इज गुड फॉल्स ठीक एक्सेप्ट हो गया सबमिट करते हैं सबमिट भी हो गया अच्छी बात है चलिए ये हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच टाइम कम्पलेक्सडी बिग ऑफ एन स्क्वायर है इसकी ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए इसको इंप्रूव करते हैं पहला तरीका क्या है इंप्रूव करने का पहला तरीका ये है कि चलो ब्रूट फोर्स को ही इंप्रूव करते हैं है ना वो भी ब्रूट फोर्स ही होगी बेटर ब्रूट फोर्स होगी कैसे अब देखो हम ढूंढ रहे हैं देख रहे ढूंढ रहे हैं एलिमेंट्स तो ये में काम कर सकते हैं एक मैप रख सकते हैं राइट मैप में इंडेक्स रख लें ये देखो एक मैप डिफाइन कर लिया मैंने ठीक है और एक लूप चला दिया है नम्स टू में और बेसिकली इंडेक्स रख रहा हूँ मैं इंडेक्स रख रहा हूँ ताकि ताकि मेरे को ये सब ना करना पड़े फाउंड वगैरह सब ना करना पड़े और डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ इसको भी हटाओ है ना इसकी तो तो जरूरत नहीं है फाउंड की मैं डायरेक्टली लूप चला सकता हूँ जे इज इक्वल टू क्या मैप डॉट गेट मैप डॉट गेट क्या नम्स ऑफ वन ऑफ आई ठीक है जैसे कि देखेगा ये हफ्ते में चार पे हूँ ठीक है इनकी तो इसका तो मैप बना ही हुआ है कि भाई एक कौन से इंडेक्स पैदा है बीस कौन से इंडेक्स पैदा है चार कौन से इंडेक्स पैदा है तो मैं उस मैप पे चला जाऊंगा तो मैं करूंगा मैप डॉट गेट फोर तो क्या जाएगा तुरंत तो इसका इंडेक्स जाएगा टू तो यहाँ से लूप चलाएंगे फिर सही है बस वही लिखा हुआ है ना प्लस वन कर दो ठीक है मत भी हो गया फिर रन है। करते हैं एक्सेप्ट हो गया सबमिट करते हैं सबमिट हो गया ठीक है थोड़ा सा बेटर है लेकिन टाइम कम्पलेक्सिटी क्या है इसकी सर बताइए बिग ऑफ एन स्क्वायर ये है ना एन स्क्वायर करने का मतलब क्या कि इसका भी एन मान लेते हैं इसका भी एन मान लेते हैं सर ठीक है और गड़बड़ भी हो गई है स्पेस कंप्लेक्सिटी बढ़ गई है पिछले अप्रोच में स्पेस कंप्लेक्सिटी कितनी थी ब्रूट फोर्स में बिग ऑफ वन यहाँ पे बिग ऑफ एन है ऑब्वियसली ठीक है चलिए तो ब्रूट फोर्स से फास्ट तो किया है थोड़ा हमने कि हम ढूंढ नहीं रहे हैं लेकिन अभी बिग ऑफ एन स्क्वायर है ठीक है तो चलिए और ऑप्टिमाइज करते हैं टाइम कंप्लेक्सिटी को और कम करते हैं और इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि सर कुड यू फाइंड एन बिग ऑफ एन प्लस एम है ना सोल्यूशन ठीक है चलिए ट्राई करते हैं ठीक है मान लीजिए क्वेश्चन है मेरा ये मेरा नम्स वन है ये मेरा नम्स टू है तो आंसर क्या है देख लेते हैं तीन फाइंड किया पहले देन ढूंढ रहे मिल गया मैक्स तो चार डाल दिया फिर चार ढूंढा चार्ट ढूंढा चार ढूंढा चार ढूंढा मिल गया फिर इसके आगे गए मैक्स मैक्स इसका अगला नेक्स्ट 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 पांच मिल गया पांच डाल दिया ठीक है आंसर तो ठीक है इसको हटाते हैं क्या कैसे जाए सर अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को देखो मैं तीन पर हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ एक आ गया जो कि मैक्सिमम नहीं है फिर चार आ गया जो कि मैक्सिमम है तो दो प्रॉब्लम है पहले तो उसको निकालना फाइंड करना एंड देन उसका नेक्स्ट ग्रेटर निकालना यार ऐसा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं था डेली टेम्परेचर में डेली टेम्परेचर में भी क्या कर रहे थे यही तो कर रहे थे बस उसमें ये ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भाई दूसरी अरे फाइन नहीं कर रहे थे बस हम ये कर रहे थे कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या है इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या है इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या है इसका नेक्स्ट ऐसे कर रहे थे उसमें अच्छा यार ये तो सेम क्वेश्चन है भाई सेम क्वेश्चन है जाकर डेली टेम्परेचर देखिए अगर नहीं देखा है तो है ना इसी प्लेस में आएगा चार पांच वीडियो पहले होगा अब वीडियो को बंद कर दीजिए ठीक है और क्वेश्चन सॉल्व करिए क्या कर रहे थे डेली टेम्परेचर में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक कर रहे थे यानी कि जैसे आप देखो तीन आया मेरा ठीक है एक डाल दिया स्टैक है बेसिकली ठीक है तीन आया एक डाल दिया दैन चार आया चार बताइए सर क्या चार अगर डाल दूंगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक रहेगा नहीं इसका मतलब क्या है कि इसको भी पॉप करना पड़ेगा एंड इसको भी पॉप करना पड़ेगा आप देखिए सुनिए यही ये ये क्वेश्चन देखो ध्यान सुनो चार आया ये ग्रेटर है एक के नेक्स्ट ग्रेटर है इसीलिए तो पॉप कर रहा ठीक है यानी कि जब पॉप कर रहा हूँ तब इसका आंसर रख लेंगे अपने पास कि भाई एक का आंसर चार है समझ रहे बात को ठीक है फिर देखो मैंने पॉप करा दिया फिर दोबारा से तीन देखा तीन भी लेस देन है चार के इसका मतलब क्या है क्या? तो यानी कि तीन का भी आंसर डाल दूंगा भाई तीन भी चार से पॉप हुआ था इसका मतलब देख रहे हो नेक्स्ट ग्रेटर तीन चार एक का नेक्स्ट ग्रेटर चार ऐसे ठीक है अब क्या है मेरे स्टैक में सिर्फ चार है ठीक है अब आया दो ठीक है जब मैं दो डालूंगा दिहान सुनो ध्यान से सुनो दो डाला मैंने चार से कंपेयर करके क्या दो जो आया है चार के बाद वो बड़ा है चार से नहीं है अगर होता इसका मतलब पॉप करा देता मैं अगर पॉप कराता इसका मतलब क्या आंसर भी डाल देता कि भाई चार का आंसर ये लेकिन दो अभी बड़ा नहीं है चार से ठीक है यानी कि देख डिक्रीजिंग दो से हा है देख रहे पांच बड़ा है दो से इसका मतलब क्या दो पॉप दोगे और डाल दोगे दो आंसर पांच है ठीक है इसका मतलब क्या है कि चार को पॉप करा दोगे चार का आंसर पांच है ऐसे करेंगे फिर सात आया फिर चेक किया कि सात जो है वो बड़ा है पांच से हाँ है इसका मतलब क्या है कि पांच को पॉप करा दीजिए एंड का आंसर साथ डाल दीजिए ऐसे करना है ठीक है अब आप देखो ध्यान से ये क्या है ये एक मैप रख लेंगे हम ये क्या रख लेंगे मैप रख लेंगे टाइम कम्पलेक्सिटी क्या हुई है अभी बिग ऑफ एनी हुई है ठीक है ना एक मैप रख लेंगे अब इसमें लूप चला देंगे ठीक है तीन का आंसर यहाँ से ढूंढ लेंगे चार आ रहा है सर फिर चार का आंसर यहाँ से ढूंढ लेंगे क्या आ रहा है सर पांच आ रहा है और वही तो था भाई तीन का आंसर क्या है चार है और चार का आंसर क्या है पांच है आंसर खत्म अपना तो क्या करते हैं आर तो ऐसे रहने देते हैं एक मैप भी चाहिए होगा इसको भी ऐसे रहने देते हैं ठीक है और क्या करना है इस सबको हटाते हैं एक सेकेंड के लिए ठीक है एक और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए हमें क्या स्टैक चाहिए स्टैक इंटीजर स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक चेक करेंगे कि क्या वाइल, वाइल स्टैक इज नॉट ठीक है और साथ के साथ क्या चेक करेंगे कि अगर एम नहीं है तो जो पीक पे है ना पीक पे जो टॉप पे रखा हुआ है वो अगर छोटा है इसका मतलब क्या है कि उसका पॉप होने का समय आ गया सर नम्स टू ओ फाइव ठीक है तो क्या करिए स्टैक डॉट पॉप कर दीजिए अच्छा पॉप तो करेंगे लेकिन उसको करें क्या मैप में भी डाल दो सर मैप में भी डाल दो एक काम करो साथ के साथ मैप डॉट पुट है ना की क्या रखेंगे जो पॉप हुआ है ठीक है जिससे हुआ है है ना जो कि हमारा आंसर है राइट जिससे हुआ है वो हमारी वैल्यू होगी नम्स टू ऑफ आई ठीक है और जब हमारा स्टैक जो है वो सुंदर बन चुका होगा सुंदर क्या यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बन चुका होगा तब हम डाल देंगे उसमें करंट एलिमेंट स्टैक डॉट पुश म्स टू ऑफ वाई ठीक है बस यही है अब देखिए लास्ट में ना स्टैक खाली नहीं रहेगा राइट जैसे मान लीजिए ये न, ना नाइन थ्री रह जाएंगे स्टैक में है ना इनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं इनके राइट में नाइन से बड़ा कुछ नहीं है थ्री के राइट में कुछ नहीं है तो स्टैक में नाइन थ्री बच गए तो इनके कॉरस्पोंडिंग मैप में माइनस वन डालना पड़ेगा ना तो वो लिख लेते हैं फोर है ना कुछ सिंपल सा लूप चला दो पॉप कराने की जरूरत भी नहीं है स्टैक आई है ना स्टैक में लूप चला लीजिए डायरेक्ट ऐसे एंड मैप डॉट पुट चलिए फिर आखिरी में सिंपल सा लूप चलेगा सर है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो फिर लूप चलाएंगे फोर इन आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस नम्स टू आई आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस ठीक है आर एस आई इज इक्वल टू मैप डॉट गेट मैप डॉट गेट क्या गेट करना है सर बताइए नहीं नम्स टू नहीं नम्स वन नम्स वन है यहाँ पे है ना छोटे वाला नम्स वन है ना राइट या करना है गेट नम्स वन करना है गेट नम्स वन आई दैट्स इट ठीक है अच्छा ये कर दिया नम्स वन डॉट लेंथ है ना यहाँ पे तो ठीक है जल्दी जल जल्दी हो रही है रन करते हैं काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है नम्स वन रन किया ठीक है सबमिट करते हैं चलिए हो गया है टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्पेस कितना है बिग ऑफ एन प्लस एम या फिर बिग ऑफ एन बोल दीजिए